7-6 बजे से मिलना शुरू करना, 11 बजे कार्यालय जाना और फिर सांसद और व्यक्तिगत उनको शरीर में कोई आवश्यकता नहीं थी सिवाय कि कांग्रेसी और देश के लिए उनको सेवा करना। सबसे बड़ी इसलिए की आवश्यकता है कि बांग्लादेश कभी नहीं बनता, पाकिस्तान उसे कभी नहीं छोड़ता। पाकिस्तान का गुलामी की शासन करता था बांग्लादेश के ऊपर पाकिस्तानी, और इंदिरा जी ने उसका नाम भी लिया बांग्लादेश। इंदिरा जी ने मुजीबुर रहमान को उन्होंने पैदा किया और मुजीबुर रहमान वहां के प्रथम राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के रूप में सुशोभित हुए थे। कहने का मतलब है एक 143वां जयंती समारोह लौह पुरुष प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का भोजपुर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में हर्षोल्लास के साथ विश्व की जानी मानी हस्ती, आधुनिक भारत के निर्माता स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी का 44वां पुण्यतिथि भी हम एक साथ मना रहे हैं। एक तरफ खुशी और दूसरी तरफ गम के बीच हम अपने दोनों राष्ट्रीय नेताओं का के प्रति अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके द्वारा बताए गए मार्गों पर चलने का हम सभी कांग्रेस के लोग संकल्पित हैं। और आज एक छोटी से सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तो उस पर बहुत बड़ा टीवी चैनलों के माध्यम से बहुत बड़ा सीन दिखाया जाता है, लेकिन काम वो बिल्कुल छोटा था। परंतु हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने 90,000 सैनिकों को सरेंडर कराकर पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बनाने का काम किया। आज उनके प्रति हम सभी कांग्रेस के लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके चरणों में अपना विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। त्रिवेणी प्रसाद सिंह अध्यक्ष, अभी हम लोग बात कर रहे थे इस विषय पर, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को अगर आप जीवन वृत्त देखें तो शुरू से और अपने अंतिम समय तक वो पक्का आरएसएस विरोधी रहे हैं। आरएसएस को कभी भी उन्होंने पनपने नहीं देने की बात हर वक्त जवाहरलाल नेहरू जी को कहा करते थे। आज उनकी प्रतिमा को लगाया गया है भारत में हमारे यहाँ, बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा लगाई गई, ये बड़ा ही हमारे लिए सौभाग्य कि कांग्रेस के एक मूर्धन्य नेता का विश्व में सबसे बड़ा प्रतिमा लगाकर हम लोगों को उन्होंने अनुग्रहित करने का काम किया है। लेकिन उन्हें स्मरण रखना चाहिए साथ साथ कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सेकुलर राष्ट्र भारत को चलाने का काम किया था, उन्होंने कभी भी संप्रदायवाद को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया, उसको लेकर उनको भी चलना चाहिए, उनके आदर्शों पर उनको अमल उतरना चाहिए। इन्हीं चंद शब्दों के